बॉलीवुड में सेलिब्रिटीज के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी बिगड़ भी जाते हैं। कई बार कुछ ही महीनों या सालों में ये एक दूसरे से तलाक भी ले लेते हैं। आपने कई सेलिब्रिटीज को कई शादियां करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी शादी के बारे में बताने वाले हैं जो शुरू होने से टूटने तक हमेशा से ही चर्चाओं का विषय बनी रही। एक ऐसे बॉलीवुड कपल के बारे में जिनकी शादी से ज्यादा खर्चा उनके तलाक में हुआ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान और अमृता सिंह की। दोनों ने साल 1991 में शादी की थी और इनका 2004 में तलाक हुआ था, यानी दोनों के तलाक को 16 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं। लेकिन इनका रिश्ता तब से लेकर आज तक चर्चाओं में रहा है। आजकल ये तलाक इसलिए चर्चा में है क्योंकि कुछ दिनों पहले सैफ अली खान ने अमृता से अपने रिश्तों पर एक मैगजीन के इंटरव्यू में खुलकर बात की थी। अपने इंटरव्यू में सैफ ने बताया था कि तलाक दुनिया की सबसे बुरी चीज है। तलाक के दौरान अपने अनुभव के बारे में बताते हुए सैफ ने ये भी कहा कि मैं इस चीज को लेकर कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। कुछ चीजें हैं जो कभी भी मुझे इस मामले में शांति नहीं देंगी। उस इंटरव्यू में अमृता और अपने बच्चों यानी इब्राहिम और सारा के बारे में बात करते हुए सैफ भावुक हो गए थे। सैफ ने कहा कि तलाक से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। कई बार परिस्थितियां अलग होती हैं, पेरेंट्स साथ नहीं होते या बहुत सारी शिकायतें होती हैं। ऐसे में एक स्टेबल घर और वातावरण बच्चों को मिलना बहुत जरूरी है। अपने इंटरव्यू में सैफ ने ये भी कहा कि तलाक से ज्यादा दुख उन्हें बच्चों की कस्टडी नहीं मिलने का हुआ था। बता दें कि तलाक के दौरान दोनों बच्चों की कस्टडी अमृता को मिली थी। सैफ इस बात से बहुत परेशान थे। अपने इंटरव्यू में सैफ ने बताया कि मैं पर्स में अपने बच्चों की फोटो रखता था और जब बच्चों की याद आती थी तो फोटो देख देख कर काफी रोता था। हालांकि पहले एक बार अपने रिश्तों के बारे में बोलते हुए सैफ अली खान ने कहा था कि अमृता उन्हें फील करवाती थी कि वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता था कि सैफ उनसे उम्र और करियर के लिहाज में काफी छोटे हैं। सैफ और अमृता की शादी इस वजह से भी चर्चाओं में थी क्योंकि अमृता सैफ से उम्र में 12 साल बड़ी थी। सैफ से तलाक लेने के बाद उन्होंने करीना कपूर से शादी कर ली और आज करीना सैफ के दो बच्चों की माँ है। खास बात है कि करीना की सारा और इब्राहिम के साथ भी काफी अच्छी बॉन्डिंग है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।